हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हैं। ये है मैंगो फ्रूटी। गर्मियों में तो हमें मैंगो फ्रूटी सभी को बहुत ही पसंद होता है, घर के बड़े बच्चे सभी बच्चे तो ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप इसे घर पे ही इतनी आसानी से बना सके तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और ज़रूर इस रेसिपी को देखकर इसे ट्राई कीजिए और घर के बच्चे और बड़े सबके साथ इसे शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ना गवाए, चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें बस चाहिए 2 पके आम और 1 कच्चा आम। चीनी हमने लिया है 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने ऐसे पके और कच्चे आम को भी ऐसे काट लिया है। तो इसे पीसेस में काट लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूरी ऐसे पीसेस में काट लें। इसके बाद हमने इन आम को एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है, कच्चे और पके सारे आम को। और इसके बाद हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। देखिए, ग्लास थोड़ा बड़ा है तो हमने थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है। तो ये पूरी तरह से पकने तक, यानी 1 सीटी आने तक हमने इसे पका लिया है। और इसके बाद हम एक कंटेनर में 1.5 ग्लास पानी लेंगे, नॉर्मल वाटर, और उसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, जो चीनी हमने पहले लिया था उसे, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। तो इन्हें हम पूरी तरह से चीनी को पिघलने तक कुक कर लेंगे थोड़ी देर। तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हमारा ये जो आम है ये पूरी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही नरम हो चुका है। तो ये आम पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद हम इसे एक मिक्सिंग जार में ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इसका पेस्ट देखिए बन चुका है। फिर भी हम इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे ताकि इसके अंदर में जो भी कुछ एक्स्ट्रा बचा हो, कोई भी छिलका आम का, वो इसमें से अलग हो जाए। तो इसे ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए, इसमें इतना छिलका अभी तक बचा हुआ था। तो हमें बिल्कुल स्मूथ एक पेस्ट मिल गया है। अब ये बहुत ही थिक है, इसीलिए हम इसमें इस चीनी का मिक्सचर ऐड करेंगे। तो आपको जैसा इसका टेक्सचर चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करें इसमें। तो देखिए, हम इसे और भी थोड़ा सा पतला बनाएंगे, इसीलिए बाकी का जो बचा हुआ मिक्सचर है उसे भी ऐड कर देंगे और इसे ऐसे मिक्स कर दें। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका ये रेसिपी कितना इजी है। इसे पूरी तरह से मिक्स होने के बाद आप इसे फ्रीजर में रख दें ठंडा होने के लिए, या फिर किसी ग्लास जार में भर के भी इसे रख सकते हैं। उसके बाद इसे सर्व करें। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा होगा। इससे ईजी रेसिपी कुछ हो ही नहीं सकता, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए और ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास और कोई भी रेसिपी है आप जानना चाहते हो, और अगर आप हमें अपनी कोई रेसिपी बताना चाहते हो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पर सारे डिटेल्स होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी रेसिपीज पाने के लिए। और सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।